के जो मीडिया है वो दिखाते हैं, कहीं कोई संख्या नहीं है। संख्या रहता जहाँ सरकार ने बनाए रहते, संविधान पार्षदों की संख्या ज्यादा है तो फिर उनके पास आदमी कहाँ से आया? वो भाड़ा पर ला रहे होंगे तो भाड़ों पर आदमी अब नहीं आएगा। जान रहा है कि महंगाई करने वाला यही लोग है, जुमला बोलने वाले यही लोग हैं, जितना भी है सब बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं। तो ये बीजेपी वाले यानी बड़का झूठा पार्टी के लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के लोग आज विधानसभा मार्च करने वाले हैं, गांधी मैदान से लेकर विधानसभा मार्च का आह्वान किया है और देखिए अब उस पे बरस रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं भाई बीरेंद्र। देखिए भाई बीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है, कोई संख्या भी नहीं है, ना तो कोई मुद्दा है ना ही कोई संख्या। क्या कुछ करें आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र विधानसभा मार्च होने से पहले, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। को लगता है कि ये संख्या कुछ मोदी के जो मीडिया है वो दिखाते हैं, कहीं कोई संख्या नहीं है। संख्या रहता जहाँ सरकार ने बनाए रहते, लाइव सिटी उससे ज्यादा मेरे पास शक्ति है, मेरे पास जन समूह है, मेरे पास माननीय विधायकों की संख्या ज्यादा है, विधान पार्षदों की संख्या ज्यादा है, तो फिर उनके पास आदमी कहाँ से आया? वो भाड़ा पर ला रहे होंगे तो भाड़ों पर आदमी अब नहीं आएगा। जान रहा है कि महंगाई करने वाला यही लोग है, बेरोजगारी फैलाने वाला यही लोग है, आतंक फैलाने वाले लोग यही है, और ये जुमला बोलने वाले यही लोग हैं जो अपने वादे को हमेशा कहते कि तो जुमला था, इसलिए इनके फेरे में न जनता है न आम आवाम है। बीजेपी कह रही है, अरे उनके पास कोई मुद्दा रहे तब ना कोई बात बोले। जितना भी है सब बड़का झूठा पार्टी के लोग है और देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। जो लोग बना कर गया है पहले का पूर्ववर्ती सरकार, उसको ये बेच रहे हैं और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। केवल विदेश दौरा करने से देश का कल्याण होगा? बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना है, देश में महंगाई पर काबू नहीं पाना है, किसानों के खेतों में पानी नहीं देना है, न किसानों की उपज का सही दाम देना है। तो ये बीजेपी वाले यानी बड़का झूठा पार्टी के लोग को लोग समझ गया है कि ये जुमलेबाज है और जुमलेबाजों की सजा जनता देने को तैयार है। बीजेपी को विधानसभा तक पहुंचने देंगे? बीजेपी को विधानसभा तक पहुंचने देंगे मार्च को? अब सवाल है कि जो नियम है वो सरकार जानती है, प्रशासन जानता है कि कहां तक जुलूस को आना है और कहां तक नहीं आना है। ये पूर्ववर्ती सरकार, आज की सरकार, पहले भी जो सरकार थी वो तय करती है कहाँ तक जुलूस जाना है। इसमें अगर कोई भी इधर उधर करता है तो पुलिस का जो कार्रवाई है वो होगा। तो अभी आप आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र को सुन रहे थे किस तरीके से बीजेपी पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तो कोई मुद्दा है ना ही कोई संख्या है। क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।